अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ जिले के नए पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी का मिजाज कुछ अलग है। शासन की प्राथमिकताओं को तरजीह देते हुए व्यवस्था में सुधार के लिए उनके प्रयास जारी हैं। इन प्रयासों के चलते लंबे समय से अपनी जड़ें जमाए बैठे मठाधीश थाना प्रभारियों को जिले से या तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या वे खुद ही यहां से रिलीव हो गए। ये वे थाना प्रभारी थे जिनका गैर जनपद तबादला हो गया था, लेकिन वह अच्छे समझे जाने वाले थानों पर अपनी जड़ें जमाए बैठे हुए थे। बीते दिवस ही 53 दरोगा इधर से उधर कर दिए गए। थानों में पैसा चलने की शिकायत पर नियंत्रण के लिए जारी व्हाट्सएप नंबर का असर यह हुआ कि काम के बदले पैसा मांगने की शिकायत की पुष्टि होने पर पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी ने किठौर थाने के 2 दरोगाओं को बीते दिवस न केवल निलंबित कर दिया बल्कि विभागीय कार्रवाई भी आगे बढ़ा दी। इतना सब है लेकिन कुछ अधीनस्थ अपनी कारगुजारी से बाज आने वाले नहीं हैं। ताजा तरीन मामला थाना टीपी नगर का है। मलियाना निवासी बुजुर्ग कुशल पाल की अपने बेटे से कहा सुनी हो गई थी। कुशल पाल ने सोचा कि मलियाना चौकी के दरोगा से बेटे को हड़कवा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बस यही गुनाह उनका बताया गया है। आरोप है कि इस काम के बदले सिपाही ने 2000 रुपये की मांग की। मांग पूरी न करने पर सिपाही ने बुजुर्ग कुशल पाल की धुनाई कर दी। पुलिस के पट्टे से उनके कमर के नीचे निशान बना दिए गए। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। बुजुर्ग कुशल पाल की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। घटना ये हुई जी, मेरे लड़के की और मेरी थोड़ी मुँह भाषा हो गई थी जी। तो मैं पुलिस चौकी गया, पुलिस चौकी में मगर सर ऐसा है जी, उसे थोड़ा धमका देना समझ जाएगा वो बात। तो उसने अंदर जाकर मेरे से 2000 रुपये मांगे जी। मेरे पैसे जी, मैं गरीब आदमी हूँ, 750 वाला आदमी जी मैं। तो उसने जाते मेरे यहाँ रैपट मारा, मेरे यहाँ से भोज फोड़ दी, कुंडम फोन कर दिया। फिर उन्होंने लेके चमड़े का फट्टा मेरे पे दे फट्टे दे फट्टे, मेरे जो दे सारा सूझा गया, हाथ वाथ सारा सूझ गया था जी। कौन था जिसने आपको मुक्त? ओमवीर शाह जी। क्या है ये? ये सिपाही है जी। कहाँ पे? पुलिस चौकी, मल्लाना पुलिस चौकी, नाश्ता नर्सिंग होम में साफ सफाई का काम करता हूँ। दिन रात इनके सामने रहता हूँ मैं। तो कभी चौकी पे भी वो बुलाते हैं, मैं जब इनकी कभी मना नहीं करता। चलो जी, जब यहाँ रहता है तो आपके काम की भी मैं मना नहीं करता। इस बारे में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। थाना टीपी नगर के मलियाना चौकी पर कार्यरत कर्मचारी के बारे में मेरी जानकारी में आया है कि कुछ आरोप लगाए गए हैं अभद्रता करने के और साथ मारपीट करने के किसी व्यक्ति के साथ में। इसके संबंध में जांच की जा रही है, इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी जांच के उपरांत। जांच के बाद क्या कार्रवाई होगी इस पर बनी रहेगी फर्स्ट बाइट की नजर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी अवश्य हुई है, यह खत्म नहीं हुआ है। खुद व परिवार की सुरक्षा के लिए सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। जब तक जरूरी ना हो घर से न निकलें, घर पर रहें, सेफ रहें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।